सो जाओ, क्योंकि मित्रों भाई भाई होता है। जिस घर में भाई भाई एक होते हैं ना, एक जनी घर में भाई भाई एक वे, वनी घर में कनी औकात नहीं है जो देखी ले, और जनी घर में भाई भाई लड़ाता वे, वनी घर में देख जो लोग राज करे लोग। अनिलिए भाया हूं मुंडे बोलो, प्रेम बोलो, दुख सुख में भाई काम आई, पराया काम नहीं आवे। एक एक बात याद आ गई मेरे को, एक बार क्या हुआ, सुनना बड़ी अमूल्य चीज जिसका मोल नहीं है। दो भाई समुद्र के तीर पे घूमने गए, दो भाई समुद्री तीर पे घूमने गया, तो छोटे भाई कुछ मस्ती की थी, शरारत की थी, बड़ा भाई मैंने दो भड़ा कर गया खेचिन थड़ांग थड़ांग। तो छोटे भाई जाई रेतना पे लिखियो कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे दो थप्पड़ लगाए, रेतना पे लिख आयो। दो पांच दिन बाद वे दो ही भाई समुद्र में घूमने पाचा गया, वो छोटो भाई पानी में हाँपड़ी रो, वो डूबवा लगो मरवा लगो, तो मोटो भाई पानी में फदकी और बनी छोटा भाई ने वनचैन लायो। उस छोटे भाई ने उसी समय एक पत्थर के ऊपर खोदा कि मेरे बड़े भाई ने आज मुझे बचाया, आज मारे बड़े भाई मैंने वंचायो। मोटा भाई मनी छोटा भाई ने क्यों कारे, मैं थारे रेपटा में लिया वंदन थे रेतड़े पे लिखियो, आज से भाटा पे क्यों लिखियो। सुनना उस छोटे भाई ने क्या कहा, यहां पर अगर कोई छोटे भाई हो तो सुनना, मैं भी छोटा भाई हूं। उसने कहा कि भाई साहब आपने मुझे दो थप्पड़ लगाए तो मेरे मन में बुरी भावना आई कि मारा भाई साहब मारे ठोकी किस तरह है, मुझे क्रोध आया, बदले की भावना आई, मेरे भाई साहब ने सबके सामने मारी कैसे, मुझे क्रोध आया तो मैंने रेत के ऊपर लिखा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे दो थप्पड़ लगाए। भाई साहब रेतड़ा पे लिखियो लोगो, ज्यादा ज्यादा एक घंटा में मिट जाएगा, मगर आज आपने मेरे प्राण बचाए, ये मुझे जिंदगी भर याद रखना है, इसलिए मैंने पत्थर के ऊपर खोद के लिखा कि मेरे भाई ने मुझे बचाया। कहने का मतलब बड़ा भाई आपको कुछ बोलता है तो आपकी भलाई के लिए बोलेगा। छोटे भाई से निवेदन है अपने भाई के सामने कभी मत बोलना, अदब करना। अगर छोटे भाई ने अदब कर ली तो बड़ा भाई गारंटी से आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। मैं भी किस्मत वाला हूं, मुझे भी राम जैसे भाई मिले, लक्ष्मण जैसे भाई मिले, यहां खड़ा हूं मेरी टेंशन वो लेते हैं, तो मैं उनकी कदर करता हूं।